हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि नॉर्थ में, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि नॉर्थ इज लाइक फॉर अपॉर्चुनिटीज, चाहे आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, कस्टमर नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, घर में शादी के लिए, रिश्ते के लिए लड़का या लड़की तैयार बैठे हैं लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है, मौके से रिलेटेड है, तो उसके लिए नॉर्थ जोन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो क्लास है वो उसी का कॉन्टिन्यूएशन है बेसिकली। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ जोन इज लाइक अ वेरी बिग जोन, और जो सारे के सारे रेलेवेंट चीजें हैं वो मैं एक क्लास में तो बता नहीं सकती हूँ, तो इसके लिए ये दूसरी क्लास उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको सारे एंटी एलिमेंट्स देख लेने हैं। आपने एंटी एलिमेंट्स देख लिए, आपको दिखाई दिया कि ओके फाइन, यहाँ पर कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है, या फिर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्लाइंट नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी एंटी एलिमेंट नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो पैसा है, जो मनी अपॉर्चुनिटी है, जो मनचाही जॉब चाह रहे हो वो नहीं मिल रही, या उसके लिए कॉल नहीं आ रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे नॉर्थ में और क्या नहीं होना चाहिए, और अगर नॉर्थ में वो है तो वो सब नहीं होगा जो नॉर्थ में होने, जो नॉर्थ हमें देने के लिए बाध्य है। नॉर्थ हमें हर तरह की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बाध्य है, नॉर्थ हमें क्लाइंट देने के लिए बाध्य है, नॉर्थ हमें कस्टमर्स देने के लिए बाध्य है, नॉर्थ हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बाध्य है, लेकिन वो नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि नॉर्थ कैसे देखेंगे अपने घर का। बिना इस तरीके से आप प्रोफेशनल चार्ट बनाए भी आप अपने घर का नॉर्थ बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही एक्यूरेटली देख सकते हैं। तो आपके घर के बीचों बीच खड़े होकर, अपने घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास से क्या देखेंगे आप, कि 350 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का एरिया कौन सा है, वही नॉर्थ है। तो यहां पर अब आपको यहां पर ये वाले वीडियो में क्या देखना है कि यहां पर क्या नॉर्थ में टॉयलेट तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि टॉयलेट का क्या रोल है, फ्लश आउट कर देना, चीजों को बाहर निकाल देना। तो नॉर्थ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, नॉर्थ से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी मनी से रिलेटेड, आपका पैसे आने से रिलेटेड, आपकी जॉब मिलने से रिलेटेड, आपकी क्लाइंट्स आने से रिलेटेड, आपके कस्टमर्स आने से रिलेटेड, आपके घर में अच्छे रिश्ते आने से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स, जो वो स्पेस आपको देने के लिए 100% देना ही देना है उस स्पेस को, लेकिन आपने उस स्पेस में टॉयलेट बना के अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया है कि ओके फाइन, आई डोंट वांट इट, फ्लश इट आउट, आई डोंट वांट इट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारा घर का वास्तु हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट होता है। बेसिकली हम अपने घर के वास्तु में बदलाव करके अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप जो चाहें वो आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, लेकिन उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। और डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं आप, बेसिकली आप एक ऐसे घर में, एक ऐसे स्पेस में, एक ऐसे जगह पर अपना बिजनेस कर रहे हैं जहां पर नॉर्थ में टॉयलेट है, और आप वहां पर अपने सबकॉन्शियस को क्या मैसेज दे रहे हैं, फ्लश इट आउट, खत्म करो, बाहर जाने दो, बाहर का रास्ता दिखाओ इनको, क्लाइंट को आने मत दो, ऑफिस में नॉर्थ में वास्तु है, क्लाइंट को आने मत दो, बाहर का रास्ता दिखाओ, आप चाह जो मर्जी रहे हो, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस को यह कमांड दे रखी है, और आपकी कमांड उसका धर्म है। आप जो बोलोगे, आप जो बेसिकली सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग, ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, नो इश्यूज इन दैट, आप फर्स्ट क्लास जाके देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, अगर आप शुरुआत से देखते आ रहे हो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूं। यहां पर यूट्यूब पर ना कोई भी चीज बताने में यही एक सबसे बड़ा फ्लॉ रहता है कि लगता है कि पता नहीं जो लोग देख रहे हैं उन्होंने पुरानी क्लासेस देखी हैं कि नहीं देखी, कि जो मैं बोल रही हूँ इस टाइम वो सेंस बना भी पा रहा है आपको या नहीं बना पा रहा है। तो हाँ, लेकिन अगर आप मेरी क्लास शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हाँ, वास्तु हमारे सबकॉन्शियस का इम्प्रिंट है। तो अगर आपने वहां पर टॉयलेट बना रखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपने खुद ही बोल रखा है अपने सबकॉन्शियस को कि हमको ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए। मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, एक केस स्टडी इन द सेंस कि एक
घर था उसमें हम लोग वास्तु कर रहे थे, तो वहां पर क्या था उसकी, वहां पर और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो थी वहां पर, एक बच्चा था बहुत स्टूडियस था, एंड स्टूडियस भी था, बच्चा कह लो या जवान तो हो ही गया था क्योंकि वो नौकरी के लिए बात कर रहा था, तो नौकरी, उसको नौकरी भी चाहिए थी तो गूगल में चाहिए थी। उसने बहुत ट्राई मारा लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, एंड गूगल इज अ वेरी वेरी नो ह्यूज कंपनी। तो उसका बस फोकस, पूरा का पूरा फोकस यही था, मतलब इतने टाइम से, शायद 2 साल या 3 साल हो गए थे उसको, कि इतने टाइम से बस वो यही ट्राई कर रहा था कि उसका हो जाए, उसका हो जाए, गूगल से किसी भी तरीके से किसी भी पैकेज पे जाने को तैयार था, अपना जो एग्जिस्टिंग पैकेज मिल रहा था उसको उससे कम पर भी वो जाने को तैयार था, वो हर तरह से, बस ही जस्ट वांट जॉब इन गूगल। तो उसका ये इतना बड़ा वो था, लेकिन उसको वो जो मौका जो वो चाह रहा था वो मौका ही नहीं मिल रहा था। आप समझ गए होंगे मैं नॉर्थ की ही बात कर रही हूं, और उनके घर में नॉर्थ में टॉयलेट था। अभी क्या करोगे, घर बदल लोगे, तोड़ दोगे टॉयलेट? पॉसिबल नहीं है, फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है कि आप टॉयलेट तोड़ दो, और वैसे भी तोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां पर मैं हमेशा बात करती हूं कि हम ऐसे वास्तु के बारे में बात करते हैं जहां पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि 99.99% लोग आज की डेट में घर बने बनाए ले रहे हैं, बिल्डर इस तरह से घर बनाते हैं कि उनको जगह को प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है, और वास्तु का बहुत मेजर रोल नहीं रहा घर बनाने में, क्योंकि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाओगे घर में जगह बहुत ज्यादा जाया होगी, जो कि बिल्डर किसी कीमत पे नहीं चाहता। तो इस वजह से ये रेमेडीज जो बिना किसी तोड़फोड़ के ऐसे रिजल्ट देती हैं जैसे कि वहां पर टॉयलेट कभी था ही नहीं। जी हाँ, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने टॉयलेट को बिना किसी तोड़फोड़ के सिंपली ऐसी किस तरह फ्लोर टेप से करेक्ट कर सकते हैं। ये आपका टॉयलेट है, और इस टॉयलेट को, क्योंकि ये नॉर्थ का टॉयलेट है, यहां पर आप ब्लू कलर की टेप लगाएंगे। ये जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर की टेप लगा रहे हैं किसी के घर में, लेकिन आपको यहां पर ब्लू कलर की टेप लगानी है। इसी तरह की फ्लोर टेप्स मिल जाती हैं, 3 इंच का इनका साइज होता है। ये जिस तरह से लगाया जा रहा है ये व्हाइट टेप, उस तरह से अपने टॉयलेट के बेसिकली चारों तरफ लगानी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चारों तरफ के लिए जगह नहीं होती। तो देखो इन्होंने स्कर्टिंग्स पर यहाँ पर टेप लगाई है, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा दीवार के ऊपर चढ़ा दी है टेप। तो इस तरीके से आपको टेप लगानी है यहाँ पर, और चारों तरफ टेप लगानी है ब्लू कलर। तीसरी जगह भी लगा लेंगे, और तीसरी जगह पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा ये स्कर्टिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, स्कर्टिंग मतलब जो दीवार है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चढ़ा देंगे, और ये तीनों तरफ टेप लग गई। अब कहीं कहीं पर टॉयलेट्स ऐसे होंगे जहां पर चारों तरफ से टेप नहीं लग पाएगी, तो ये जो 3 तरफ से टेप लगी है ये भी वही असर करेगी जो चारों तरफ से लगी हुई टेप करती है। लेकिन जहां पर आपके पास जगह हो, पॉसिबिलिटी हो कि चौथी तरफ भी आप लगा सकें, तो वहां पर आप चौथी तरफ भी टेप लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर पॉसिबिलिटी है तो यहां पर हम लोगों ने चौथी तरफ भी टेप लगाई है, और ये जो टेप है ये 45 डेज तक काम करती है। 45 डेज के बाद ये इसका जो असर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हाँ 45 डेज में एट टाइम्स लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और 45 डेज के बाद आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, इसको दूसरी टेप लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये नॉर्मल फ्लोर टेप्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं उतरती हैं। ध्यान एक चीज रखनी होती है, जब भी आप ये टेप लगाएं तो फर्श एकदम सूखा होना चाहिए और एकदम साफ होना चाहिए, वहां पर कोई भी जरा सा भी धूल का दाना नहीं होना चाहिए और जरा सा भी गीलापन नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सूखा और बिल्कुल साफ, अगर आप बिल्कुल सूखे और बिल्कुल साफ फ्लोर पर लगाएंगे तो ये फ्लोर टेप्स बिल्कुल टिकती हैं, कहीं नहीं जाती हैं फ्लोर टेप्स। देखिए चारों तरफ हमने इधर फ्लोर टेप्स लगा दी हैं, ये आपको ब्लू लगानी है, यहां पर व्हाइट दिखाई दे रही है लेकिन आपको लगानी है ब्लू कलर की, क्योंकि हम नॉर्थ के टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया कि इसी तरीके से यहां पर ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं आप, इस तरह से अगर टॉयलेट इंडियन है तो इंडियन टॉयलेट में आप चारों तरफ बड़े आसानी से लगा लेंगे। थोड़ा बहुत वेस्टर्न टॉयलेट में दिक्कत आती है, लेकिन इंडियन टॉयलेट में टेप लगाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, और बिल्कुल समझ में आया कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है विदाउट एनी तोड़फोड़ ब्लू टेप से। ब्लू जो फ्लोर टेप्स आती है ना, फ्लोर टेप्स, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कम से कम 3 इंच की रहे, जिसकी चौड़ाई कम से कम 3 इंच की हो, ऐसी ब्लू टेप से आप चारों तरफ से
कवर कर लो टॉयलेट को। एंड लिटरली में इनके घर में हम लोगों ने टॉयलेट का ट्रीटमेंट किया अपने तरीके से, एंड ही विल बी कंप्लीटली 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 सेटल्ड नाउ। गूगल से जॉब का जो बहुत टाइम से वो सोच रहा था कि आए 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 आए, गूगल से खुद से गूगल ने खुद से उसको लेटर भेजा एंड ही इज लाइक ऑन द 7th क्लाउड। फोन आया एंड वो बोल नहीं पा रहा था, जब उसका फोन आया तो वो बोल नहीं पा रहा था, मैम मैम मैम। मैंने कहा हुआ क्या, हुआ क्या, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई घर में है, जो भी है मैम। मैंने कहा एंड ही वाज जस्ट लिटरली क्राइंग, मतलब वो जो खुशी थी ना उसकी, जो उसकी आवाज से झलक रही थी, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है कई बार। बहुत ही सीरियसली में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं जब आप अपने घर में वास्तु कराते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में वास्तु करते हैं। वास्तु से ज्यादा जल्दी रिजल्ट कोई चीज नहीं देती है, लिटरली में कोई चीज नहीं देती है। वास्तु इतना ज्यादा, इतना इंपैक्टफुल होता है। तो यहां पर आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो अपने घर में। अगर आपको नॉर्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं तो अपने घर के अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो ब्लू टेप से उसको चारों तरफ से कवर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉर्थ के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि नॉर्थ इतना छोटा नहीं है, नॉर्थ बहुत बड़ा है। अभी नॉर्थ के बारे में और बातें करेंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट हर जोन में हमें 3 क्लासेस तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।